MH370 मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 जो 8 मार्च 2014 को अचानक रडार सिस्टम से रहस्यमय रूप से गायब हो गई थी। कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चीन के लिए निर्धारित इंटरनेशनल फ्लाइट थी। फ्लाइट 370 बोइंग 777-200ER जिसमें यात्री और क्रू समेत 239 लोग थे। इस जहाज के कप्तान थे 53 साल के जहीर अहमद शाह और जिसमें 153 पैसेंजर चीनी थे। ये रोजाना जाने वाली दो फ्लाइटों में से एक थी। इस विमान की फ्लाइट ड्यूरेशन 5 घंटे 34 मिनट थी। उड़ान के गायब हो जाने के बाद से एक बड़ा और विशाल खोज अभियान शुरू किया गया जिसमें दर्जनों देश शामिल थे। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च भी हुआ। इस विशाल खोज के बावजूद कुछ सालों तक विमान का कोई भी पता नहीं चल पाया। कुछ अजीब सी गुत्थी बन गई थी इस विशाल जहाज का अचानक से गायब हो जाना। लेकिन जुलाई 2015 में विमान से एक टुकड़ा भारतीय महासागर में स्थित रियूनियन आइलैंड, एक फ्रेंच टेरिटरी के किनारे पर आ गया था। यह गायब होने वाले विमान का पहला पक्का सबूत था। इसके बाद से भी भारतीय महासागर के विभिन्न स्थानों पर अधिक टुकड़े मिले हैं, लेकिन विमान के बहुत सारे हिस्से और फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं। 1948 से अभी तक लगभग 83 एयरक्राफ्ट मिस हो चुके हैं और वो भी अभी तक गायब ही हैं, एक रहस्य के साथ। MH370 की खोज सन 2017 में बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ प्राइवेट एजेंसीज अभी भी इस रहस्य के पीछे लगी हुई हैं कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। लेकिन उनको भी अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। आखिर कैसे एक पूरा का पूरा जहाज 239 क्रू मेंबर के साथ इतनी आसानी से गायब हो सकता है? और अगर उसमें आग लगती या फिर वो ज़मीन पर क्रैश हुआ होता तो कुछ समझ में आता, लेकिन वो भारतीय महासागर में गिरा और उसके बाद से उसको कुछ नहीं पता लग पाया। आखिर कुछ तो यात्री बचे होते। इस जहाज के गायब होने का कोई स्थायी कारण नहीं मिल पाया है। हर कोई अपनी एक अलग राय बयान करता है। कोई कहता है कि उसके मैकेनिज्म में कोई खराबी आ गई थी, कोई कहता है कि वो रास्ता भटक गया था, कोई बोलता है कि पायलट अच्छा नहीं था और कोई कहता है कि किसी अलग आयाम में चला गया है। वजह चाहे जो भी थी, लेकिन जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है वही उस बात का दुख समझ सकते हैं। किसी के कुछ कहने या ना कहने से अब क्या होता है। मलेशिया एयरलाइन से प्रियजन अभी भी फ्लाइट 370 के कुछ पता लगने का पूछते हैं। वो अभी भी उम्मीद में रहते हैं कि शायद किसी का कोई संबंधी अभी जिंदा हो और कैसे न कैसे करके वो लौट आए।